Shazia Nisar and you are watching 2018 Zara Hatke. 2017 खत्म हो चुका है, लेकिन 2018 में क्या कुछ रहने वाला है लोगों का रिजोल्यूशन, इसके अलावा और भी बहुत सी जनरल नॉलेज की बातें जानेंगे हम लोगों से, और इस सफर में आपके साथ मैं हूँ शाज़िया निसार। इस वक्त यहाँ पर पूरा एक फ्रेंड्स ग्रुप मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि इनका 2018 का रिजोल्यूशन क्या रहने वाला है और क्या कुछ होने वाला है। आपका नाम? प्रिया। प्रिया, 2017 खत्म हो चुका है, 2018 में आपका रिजोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं, बस एमए कंप्लीट करना और कुछ नहीं। ओके, बस एमए कंप्लीट करना है, लेकिन उसके बाद मम्मी पापा सोचेंगे। आपका नाम क्या है? सुष्मिता। सुष्मिता, आपका रिजोल्यूशन क्या रहने वाला है? कुछ खास नहीं है, पढ़ाई कंप्लीट करनी है बस। Okay. सेम। तो ऐसा कुछ नहीं है जो 2017 में अधूरा रह गया और 18 में आप उसको पूरा करना चाह रही हो? नहीं, कुछ ऐसा स्पेशल तो कुछ नहीं है। ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ, रिजोल्यूशन के बारे में तो हम पूछ रहे हैं, आपसे भी पहले यही जानना चाहेंगे, बताएं। अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं मैं। अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो साल के बारे में बात हो रही है, साल से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, लीप ईयर के बारे में आपको पता है? Yes. क्या होता है लीप ईयर? डेफिनेटली बताया, बताइए, हम जो पूछना है क्वेश्चंस पूछे मैम। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि लीप ईयर होता क्या है। एक बार फिर से। जिसमें 366 दिन होते हैं, नॉर्मली जो लीप ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, पर उसमें 366 दिन होते हैं। Okay. जो 4 साल में एक बार आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि, आपका रिजोल्यूशन क्या रहने वाला है? मैं वैष्णो देवी जाऊंगी ना इसी मंथ, आई थिंक या फिर कुछ नेक्स्ट नवंबर तक मुझे जाना ही जाना है अपनी फैमिली के साथ। और कुछ है था जो 2017 में इनकम्प्लीट रह गया हो, अधूरा रह गया हो, जिसे आप 2018 में पूरा करना चाह रहे हैं? मेरा GNM का फॉर्म है, मुझे नर्सिंग कोर्स पूरा करना है अपना। आपका नाम क्या है? सुजाता। सुजाता, आपका 2018 रिजोल्यूशन क्या है? मेरा, मैं इस साल घूम नहीं पाई थी, 2018 में पूरा घूमना चाहती हूँ, इंडिया टूर पे जाना चाहती हूँ। इंडिया टूर पे जाना चाहती हैं। आपकी एज क्या है? मेरी 20 राइट नाउ। 20, तो मतलब अभी तो शादी वादी के कोई प्लान्स नहीं होंगे? हाँ, अभी कोई प्लान नहीं है। Okay, आप स्टूडेंट हैं? हाँ, BA चल रहा है मेरा, सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और जो 2018 है वो पूरा आप घूम कर बिताना चाहती है? क्यों, चलिए, तो इन लोग से तो बात हो गई है, इस ग्रुप से बात हो चुकी है, लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का और लोगों से बात करने का। तो इस वक्त यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ एक पूरी फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि 2018 का इनका रिजोल्यूशन क्या रहने वाला है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सोनी है। आपका 2018 का रिजोल्यूशन क्या है, क्या कुछ करने वाली है, क्या कुछ 2017 में अधूरा रहा जिसको आप 18 में करेंगी? अधूरा तो शायद कुछ नहीं रहा, लेकिन हाँ, जो 2018 आ रहा है उसके साथ तो बहुत, मतलब कि बहुत स्टार्ट होगी, नया न्यू ईयर स्टार्ट होगा, उसके साथ बहुत चीज़ें स्टार्ट होंगी, जैसे कि प्लान किया था हम लोगों ने कहीं जाने का। Okay. तो 2017 में नहीं जा पाए, मतलब फाइनली हम 2018 में जा पाएंगे। ओके, तो 2018 में आप नहीं जाने का प्लान कर? हाँ। ओके, तो ये आपके हस्बैंड है? जी हाँ। कहाँ जाने का प्लान करने वाले आप? अभी तो डिसाइड नहीं है, लेकिन मे बी अब्रॉड। अगर आपका मैं रिजोल्यूशन जानना चाहूँ, आप क्या कुछ करेंगे जो 2017 में अधूरा रह गया? ऑब्वियसली मैं अपनी वाइफ की सारी जो उनको चाहिए, जो चीज़ की, जैसे उन्होंने बोला कि 2018 में ये फॉरेन अब्रॉड जाना चाहेंगे, पहले सबसे पहली चीज़ें मैं उनकी पूरी करूँगा। ओके, तो एक पत्नी व्रता पति से हम यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर दो महिलाएं हैं। आपका 2017 में ऐसा क्या कुछ अधूरा रह गया जिसको आप 2018 में जरूर पूरा करना चाहेंगे? सब कुछ है, बच्चा उसमें क्या है कि जो नहीं करना चाहेंगे, नया साल है तो नई चीज़ें आती है उनके साथ, नया कुछ हमेशा ही बना रहता है करने के लिए लाइफ में, कभी कमी थोड़ी पड़ती है, आप कुछ भी करते जाओ आपका रहेगा हर मंथ के लिए, एटलीस्ट ईयर क्या, आपको कुछ भी हमेशा ही नया ही है, जो करो सब नया है लाइफ का। ओके, आपका नाम? कीर्ति। आप 2018 में आपका क्या रेजोल्यूशन रहने वाला है?
मेरे लिए तो सारा मतलब पर डे जो मॉर्निंग होती है हर एक नए दिन की शुरुआत एक नए साल से होती है। हर एक दिन हमारे लिए अच्छा होता है, नया होता है। जो भी करना है हम डेली कर सकते हैं, किसी दिन की ज़रूरत नहीं है हमें। जैसे नया कोई साल आता है तो लोग प्लानिंग करते हैं, इस साल में ये नहीं कर पाया लेकिन उस साल में ज़रूर करूँगा, तो आपने इस बार क्या सोचा है? कुछ खास नहीं है, बट जो है बहुत अच्छा है जो भी। चलिए शुभकामनाएं आप। आपका नाम? विपिन। 2018 में आपका रिजोल्यूशन क्या रहने वाला है? ऐसी क्या चीजें हैं जो 2017 में छूट गई हो, मिस हो गई हो या फिर अधूरी रह गई हो जिनको आप 18 में पूरा करना चाह रहे हो? पास्ट में जो प्लान्स किए हैं उनको थोड़ा और मतलब जोश के साथ पूरा करना है। ओके, बस यही है अभी फिलहाल के लिए रिजोल्यूशन यही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम क्या है? मैं सर नितिश। सर 2017 खत्म हो गया है, जब नया साल आ रहा होता है तो हर इंसान के जहन में कुछ ना कुछ होता है, तो आपका 2018 का रिजोल्यूशन क्या है? 2018 में बेसिकली कोशिश ही रहेगी कि हर दिन किसी की मदद करनी है, हर दिन किसी की सहायता करनी है, खुशियाँ बांटनी है, जितनी खुशियाँ हम बांटेंगे उतनी खुशियाँ हमें मिलेंगी, ये रिजोल्यूशन है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यहाँ आप देख सकते हैं गर्ल्स जो है वो शॉपिंग कर रही हैं, बट हम उनको डिस्टर्ब करेंगे और जानेंगे कि उनका 2018 का रिजोल्यूशन क्या है। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट इज योर नेम? जैस्मिन। आपका 2018 का रिजोल्यूशन क्या है? लाइक करेंटली आई एम इन 12th, सो आई वांटेड टू स्कोर ऑब्वियसली 90 प्लस मार्क्स, सो आई वॉज वर्किंग हार्ड, बट इन माई प्री बोर्ड आई डिड नॉट स्कोर दैट मच वेल, सो एब्सोल्युटली आई एम वर्किंग ऑन इट सो दैट आई कैन हैव गुड स्कोर्स इन 12th। यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं अपनी मॉम के साथ, उनसे भी बात करते हैं। यू तो गर्ल्स शाय होती हैं जैसे कि हम देख भी रहे हैं, बट व्हाट इज योर नेम? रिद्धि। रिद्धि, 2017 खत्म हो गया है, 2018 आ गया है, आपका 2018 का रिजोल्यूशन क्या है? टू जस्ट चिल इन लाइफ। ओके, कोई जिम शिम, कोई घूमना फिरना, कुछ और? हाँ, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग एंड आई हैव कॉलेज प्लान्स, दैट्स इट। तो वो प्लान्स किस तरह के, थोड़ा सा आप हमसे शेयर करोगे? To spend more time with my family and just enjoy like I'm enjoying right now. Okay. Chalo. Excuse me, ma'am. What is your name? Sanatha. 2017 खत्म हो चुका, बट आपसे 2018 का जानना चाहेंगे, क्या कुछ प्लान है? ऐसा तो कोई प्लान नहीं है फिलहाल। कहीं घूमना फिरना, कुछ 2017 की जो चीजें अधूरी रह गई हैं उनको कुछ पूरा करना चाहें आप? पूरा ठीक है, 17 चला गया, रह गई चीज़ें, कुछ नहीं होता, पुरानी चीज़ें रख के क्या कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, यहाँ पर भी गर्ल्स शॉपिंग कर रही हैं, व्हाट इज योर नेम? नेहा। नेहा, 2017 खत्म हो चुका है, 2018 आ चुका है, 18 में क्या कुछ आपके प्लान्स हैं, यानी कि 2018 का आपका क्या कुछ रिजोल्यूशन है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली मुझे क्लियर करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। Okay. उसके लिए प्रिपरेशन करनी है और मेहनत करनी है। तो 2018 का ये प्लान है आपका? यस यस। चलिए आप यहाँ पर और भी गर्ल्स मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं 2018 में आपकी क्या कुछ प्लानिंग है। अभी कोई प्लान नहीं किया मैंने। इनकी शादी करवा देंगे। इनकी शादी करवा देंगे 2018 में। नो नो नो। शादी का प्लान हो रहा है बट जो दुल्हन है वो खुद ही कंफ्यूज है। बढ़ते आगे। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर गेम खेली जा रही है, सब लोग बिजी हैं लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि उनका 2018 का रिजोल्यूशन क्या कुछ रहने वाला है। आपका नाम? मयंक। मयंक, 2017 बीत चुका है, 2018 आ गया है, हर किसी की कोई ना कोई प्लानिंग होती है कि नया साल आएगा तो हम ये करेंगे या फिर जो छूट गया है वो करेंगे, तो आपका क्या कुछ प्लान है? मोर हॉलीडेज। ओके, सोच रहा हूँ कि इन फ्यूचर लुकिंग फॉर मोर हॉलीडेज इन फॉरेन ट्रिप्स। ओके, एंड मेन इंपॉर्टेंट जस्ट वांट टू बी अ बेटर ह्यूमन, दिस इज माय रिजोल्यूशन। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप 2018 में क्या कुछ करने वाले? नथिंग स्पेशल, बट एक अच्छा इंसान बन जाए वही बहुत है हमारे लिए। तो ये कोशिश रहेगी 2018 में कि हम एक अच्छे इंसान बने, वही बहुत है हमारे लिए। इंसान तो मतलब
और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि 2018 के लिए उनके क्या कुछ प्लान्स हैं, आपके क्या कुछ प्लान्स हैं। और सबसे पहले आपका नाम? सूरज। सूरज, आप क्या कुछ करने वाले हैं? क्या प्लान है मैम? बिजनेस हमारा लो हो गया बिल्कुल मोदी की वजह से, बिजनेस ही फेल हो गया, तो क्या करेंगे अब, देखते 2018 कैसे जाता है। तो कोई नई तैयारियां कुछ खास, कोई प्लानिंग? कोई तैयारी नहीं मैम, अपने घर पे गाजर का हलवा खाएंगे बस, और क्या। शौकीन रहती हैं और यहाँ पर भी दो हमें खाने की शौकीन गर्ल्स नजर आ रही हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? शिविका। शिविका, 2017 खत्म हो गया है, 2018 आ गया है, आपसे जानना चाहेंगे कि 2018 का आपका क्या रेजोल्यूशन है? मेरा रेजोल्यूशन ये है कि एक्चुअली सोचा नहीं है कोई रेजोल्यूशन, क्योंकि आई डोंट स्टिक टू रेजोल्यूशन जब भी सोचते हैं तो, सो नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक। सेम ऑन द सेम लाइन्स, मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशंस आर यू नो समथिंग दैट आर टू बी ब्रोकन, तो नो रेजोल्यूशन। आपका नाम? पारस। पारस, 2017 खत्म हो चुका है, 2018 आ गया है, 2018 का आपका रेजोल्यूशन क्या है? मेरे को जनवरी में जिम ज्वाइन करना है, जिमिंग करनी है। ओके okay, तो वजन घटाने का इरादा है या बढ़ाने का? वजन बढ़ाने का। तो इनका रिजोल्यूशन है कि जनवरी में पारस जिम ज्वाइन करेंगे। आपकी फ्रेंड भी आपके साथ में है, आपका नाम? संध्या। संध्या, आपका 2018 का रिजोल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं करने वाली हैं? करने वाली हूँ। अच्छी जॉब करने वाली, राइट? शादी करने वाले हो? ओके, कुछ नहीं। मतलब आप कंफ्यूज हैं? हाँ मैं कंफ्यूज हूँ। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं 2018 में आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। माय नेम इज विनोद पटेल। 2017 खत्म हो चुका है, 2018 आ गया है, हम ये जानना चाहेंगे कि 2018 का रिजोल्यूशन क्या है आपका? मेरा रिजोल्यूशन है सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड अपने जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसमें मेरा फेम हो, यही मेरा रिजोल्यूशन है, सिंपल सा। सेल्फ इंडिपेंडेंट। आपका नाम? आलोक। आपने क्या कुछ सोचा है? नथिंग मैम, सपोज दैट मतलब ऐसे ही इंजॉय करेंगे नए साल को। नए साल तो इंजॉय होगा, लेकिन 2018 में आपका रिजोल्यूशन क्या होगा? मैम वही सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब मैम जो होता है करते हैं अपने से वही। कोई रिजोल्यूशन नहीं है। क्यों? कभी सक्सेसफुल ही नहीं होता। ऐसा क्यों? प्लानिंग एग्जीक्यूट ही नहीं होती कोई। Okay. तो कोई प्लान सी नहीं है इस बार, जो होगा देखा जाएगा उसी वक्त। हाँ। चलिए, आपका नाम? निपुन। निपुन, आपका क्या रिजोल्यूशन है? इस बार फुटबॉल टीम में सिलेक्ट होना। रिजोल्यूशन, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, सो इस बार थोड़ा सेकेंड ईयर थोड़ा अच्छे से करना है। अच्छे से क्लियर करना है, पूरी प्लानिंग पूरी तैयारी। यस। 2017 में सोच लिया कि 2018 में क्या करना है। यस। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बस यही सोचा है कि मतलब जो भी हमने गलतियाँ वगैरह करी है सब में इस साल में थोड़ा सुधार लें, और मतलब नया साल आ रहा है तो न्यू चेंजेस करें अपने में ताकि लोगों को अच्छा लगे। स्टूडेंट हैं आप? यस मैम। क्या कर रहे हैं अभी? मैम मैं अपनी ह्यूमैनिटीज में हूँ, मैं 11th क्लास में हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में हूँ। मैं अपने IPS बनना चाहता हूँ। इस बार पूरी प्लानिंग है कि सब कुछ करने का इरादा है, तैयारियां पूरी करेंगे। फैमिली के लिए कुछ सोचा है? यस मैम, फैमिली के लिए सोचा है कि इस बार का स्ट्रीम करके मतलब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके और थोड़ा पेरेंट्स को प्राउड भी करा के और थोड़ा बनना है थोड़ा उनके लिए। शुभकामनाएं है आपको। ओके, तो यहाँ पर एक बार फिर से बॉयज का गैंग है। आपका नाम? वरुण। वरुण, 2017 खत्म हो चुका है, 2018 में आपका क्या रिजोल्यूशन है? जिम ज्वाइन करना है। तीनों का सेम ही है, हम सोच रहे कि इस बार फाइनली हम कर ले उस 18 को। इसके अलावा कुछ और प्लानिंग करियर को लेकर, फैमिली को लेकर? बस प्लानिंग तो यही है कि इस साल मैरिड हो जाए, सेटल हो जाए बस, बाकी। आपका नाम? प्रतीक। जो मैरिड होने वाले हैं उनका तो स्पेशली नाम जान लेना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस, बधाई।
What is your name? Ashish. Ashish, 2018 का आपका resolution क्या है? Resolution थोड़ा ज़्यादा organized होना चाहता हूँ life में. बड़ा सोच कर बताना पड़ रहा है? हाँ, क्योंकि fix नहीं होता ना. क्योंकि फिक्स नहीं था ऐसे ही, बस थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहता हूँ. हाँ, डेफिनेटली अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है उसको इन्हांस करने के लिए, थोड़ा और एक नया स्किल स्टार्ट करना कुछ, तो वो अभी तक तो वही सोचा है. सर, आपका नाम? आशीष. आपका क्या रिजोल्यूशन है? बिजनेस बढ़ाना अपना. 2018 में सोचा है. चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू.